चाहे वो सोनू हो, विवेक हो, हमारी बीबी हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, कोई किसी को एक रुपया अगर मेरे बिना पूछे गया तो फिर ये डील कैंसिल करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, फिर हम लोग केस लड़ेंगे। हेलो नमस्कार, मैं समर प्रताप सिंह, आप सबका भाई मगहिया जवान से, और आज वीडियो आप लोग को जो ऐसा दिखाने वाले हैं हम कि आप लोग भी देख के वीडियो को आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये तो हमारे खेसारी भैया हैं। मतलब कि आज खेसारी लाल यादव अपने इंस्टाग्राम से लाइव आए थे और लाइव आने के दौरान उन्होंने अपने टीम को लेके बहुत सारी ऐसी बातें बोली जिससे हमको ये लगा कि भाई आदमी हो तो खेसारी लाल यादव के जैसा अपने टीम के प्रति इतना ट्रस्ट कि क्या ही बताएं। प्लीज आप मेरी टीम को कुछ मत बोलिए, सबने मेरे ऊपर मेहनत किया है तब मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरे लिए जगना हो, मैं अगर 24 घंटा जगता हूँ तो मेरी टीम कम से कम 27 घंटे जगती है। मतलब वो 18 मिनट के लाइव में 20 बार अपने टीम के बारे में कहते हैं और उन 20 बारों में इतना सपोर्ट करते हैं अपने टीम का कि हमारा टीम कोई भी गलती नहीं किया है, हमारा टीम है उसको हम बखूबी जानते हैं, पूरा दुनिया हमारा टीम का विरोध कर रहा है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जो फंसे हुए हैं वो अपने टीम के कारण ही फंसे हुए हैं, टीम पैसा कमा रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव इस चीज को गलत साबित करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए टीम ही सबसे महत्वपूर्ण है और वो हमारे लिए जगते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और फिर सच्चाई सबके सामने आता है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एक भाई हमको भेजता है और जब उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब हमको झटका लगता है कि खेसारी लाल यादव जो ये 18 मिनट लाइव आके अपने टीम के ट्रस्ट के बारे में कह रहे हैं वो तो गलत कह रहे हैं, असली सच्चाई तो ये है। जो डील हुआ है उसका एक भी रुपया किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ मेरे अकाउंट में आएगा, चाहे वो मेरे कंपनी वाला डील के खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड वाला भी डील है, वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है, क्या करना है, सारा कुछ मेरे अकाउंट से होगा। तो चाहे वो सोनू हो, विवेक हो, हमारी बीबी हो, चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, कोई किसी को एक रुपया अगर मेरे बिना पूछे गया तो फिर ये डील कैंसिल करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, फिर हम लोग केस लड़ेंगे। तो ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि मैं बहुत लूट चुका हूं और अपने लोगों से ही परेशान रह चुका हूं। तो जो भी बातें होगी आप मेरे से करिएगा, हाँ जो भी चीजें हो रही है जहां से भी हो रही है जैसे भी हो रही है वो मेरे तक पहले पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही किसी तक जाना चाहिए। अगर मेरे आदमी भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे मेरे आदमी भी आपसे कुछ कह रहे हैं, तो आप निधड़क उसका नाम भी लीजिए और उसके लिए बात करिए, नहीं तो होगा क्या कि फिर मैं बर्बाद होऊंगा, अपने लोगों से ही बर्बाद होता हूं मैं। तो मैं विश्वास उतना ही कर रहा हूं अपने बिजनेस में, मैं किसी पे विश्वास अब नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपका रिलेशन मेरा हमेशा खराब ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। और जो भी डील हो, जैसे भी डील हो, वो सिर्फ मेरे अकाउंट से ही होगा, अदरवाइज किसी के अकाउंट से नहीं होगा, क्योंकि मैं जो भी मेरे साथ काम करता है मैं सबको पैसा देता हूं, चाहे वो सोनू हो, चाहे विवेक हो, चाहे इंदर हो, चाहे बबलू हो, जो भी हो, कोई अदरवाइज कोई किसी का कॉल जाए और चाहे किसी तरीके की बात हो तो सिर्फ मेरे अकाउंट से होगा, अदरवाइज किसी के अकाउंट से नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप पे ही विश्वास करता हूं, इसके अलावा मैं किसी पे नहीं करता। काम सबको करना है, सब लोग करेंगे, सबका अपना हिस्सा जाता रहेगा कि हाँ किसको क्या लेना है, मैं सबसे बैठ कर भी बात करने वाला हूं क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है, को कौन कितना पैसा लेगा, मुझे लगेगा कि हाँ इनको रखना चाहिए तो मैं रखूंगा, मुझे लगेगा कि नहीं भैया मुझे इतना मैं नहीं दे सकता तो फिर वो अपना अपना काम करेगा, काम खत्म। आप लोगों को भी यही लगा होगा कि जो खेसारी लाल यादव अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज आप मेरी टीम को कुछ मत बोलिए, सबने मेरे ऊपर मेहनत किया है, वही खेसारी लाल यादव इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं सुने ही आप लोग। मतलब कि टीम पे कोई विश्वास नहीं, यहाँ तक कि अपने धर्म पत्नी पर भी कोई विश्वास नहीं, जो पैसा आना होगा वो मेरे अकाउंट में आएगा, जो पैसा जाना होगा वो मेरे अकाउंट से जाएगा, विवेक सोनू चंदा कुछ नहीं, मतलब किसी के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से ही गाना काहे नहीं आए, लेकिन उसको अभी पैसा जितना भी होगा वो मेरे ही अकाउंट में आएगा, वो मेरे ही अकाउंट से जाएगा। मतलब खेसारी लाल यादव को पता है, इस ऑडियो के थ्रू हम बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को पता है कि उनका टीम क्या है, उनको घोटाला कर रहा है, वो ऑडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा टीम या फिर हम अब किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, और फिर भी खेसारी लाल यादव सपोर्ट कर रहे हैं अपने टीम का, जबकि आप ऑडियो सुनिएगा तो आपको साक्षात नजर देगा, सुनाई देगा कि खेसारी लाल यादव अपने टीम से ही परेशान है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव पे ऐसा कौन सा दबाव है भाई जिसमें खेसारी लाल यादव अपने टीम का इतना सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, बस यही आखिर खेसारी लाल यादव ही बताएंगे, इस चीज को हम नहीं बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय मगध, जय बिहार, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए।